हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे सही कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर आना है थोड़ा नीचे और खोजना है सेटिंग को, जिसका नाम रहेगा ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन। कुल मिलाकर गाइस, जहाँ पर आपके सभी ऐप्स रहते हैं आपको उस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। अब ऊपर की साइड दो डॉट पर क्लिक करना है, देखिए दाहिनी साइड सबसे ऊपर। फिर शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है, फिर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब गाइस, इतना करने के बाद सिंपली बैक आना है, ब्लूटूथ हेडफोन के स्विच ऑफ को खोल लेना है, स्विच ऑन कर लेना है, फिर से सेटिंग में जाना है और अब आपको ब्लूटूथ खोजना है, फिर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर ब्लूटूथ पर यहाँ पर टैप किए रहेंगे, इस पर दबा के रखेंगे तब भी आप ब्लूटूथ के सेटिंग पर आ जाएंगे। तो हम चलिए ब्लूटूथ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे चालू करते हैं। चालू करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है। यहाँ पर ऑल डिवाइस पे क्लिक करना है और ब्लूटूथ का नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं ब्लूटूथ, तो आप बारी बारी से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मेरा यही है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर बैटरी लेवल भी दिखा रहा है कितना अभी चार्ज है। तो गाइस, इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।